साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक खास रेमेडी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वास्तु टिप्स दे रहा हूं कि वास्तु टिप्स जो ऐसे हैं कि जो आपके घर में धन की बरकत करेंगे। धन की बरकत का मतलब क्या होता है कि आपके घर में पैसे जुड़ना, आप पैसे कुछ सेविंग्स कर सकें। तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि सेविंग्स जो रहेगी वो आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपकी ऊपरी कमाई होती रहेगी, जो आप सेविंग्स करेंगे वो आपकी बचत होती रहेगी, और एक्स्ट्रा जो आपको खर्चा लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम होता रहेगा। मतलब कर्म आप करते रहेंगे, जहां से भी आपकी इनकम होती है तो वो इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है, तो आपकी सेविंग्स भी होती रहेगी और पैसा जो ऊपरी खर्चे आपके वो भी चलते रहेंगे। तो इसके लिए वास्तु टिप्स आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो झाड़ू का एक छोटा सा आपको टिप्स बता रहा हूं कि अक्सर मैंने लोगों को देखा हुआ है कि झाड़ू कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं। तो झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर झाड़ू को आप गलत दिशा में रखते हैं तो पानी की तरह पैसा जाएगा, लेकिन झाड़ू को सही डायरेक्शन में रखते हैं तो पानी की तरह पैसा आएगा। क्योंकि देखिए रूल्स होगा, रूल्स रेमेडीज, इनको यदि हम लाइफ में फॉलो करते हैं, जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो झाड़ू के लिए सबसे अच्छी जो डायरेक्शन है वह है आपके घर की वायव्य दिशा, यानी कि आपके उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर है वहां पर आप झाड़ू रख करके देखिए। सिर्फ 11 डेज तक झाड़ू को इस दिशा में रख के देखिए, आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। और दूसरा एक वास्तु टिप्स दे रहा हूं, जो आपके घर की सबसे ज्यादा स्ट्रांग डायरेक्शन है वो है आपकी ईशान कोण, यानी कि आपके उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है। तो यहां पर एक काम करिए, किसी भी गुरुवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, इसके अलावा पूर्णिमा के दिन में कॉपर की कोई भी चीज ले लीजिए। कॉपर का बाउल ले सकते हैं, कॉपर की ग्लास ले सकते हैं, या फिर कॉपर का लोटा ले सकते हैं तांबे का। इसमें आपको करना है पीली सरसों का एक छोटा सा प्रयोग। पीली सरसों जो होती है इसमें दोस्तों नेगेटिव चीजों को ऑब्जर्व करने की जबरदस्त ताकत होती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, तो पीली सरसों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। पीली सरसों जो है प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को इसका वरदान प्राप्त है कि जहां पर भी ये रहेगी वहां पर नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तो किसी भी कॉपर की चीज में आप थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए और इसको उठा करके अपने घर की ईशान डायरेक्शन में सिर के ऊंचाई से आप रख दीजिए। उसके बाद में बस देखिए कैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। जहां सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वहां गरीबी, दरिद्रता, दुख, ग्रह कलेश, सभी कार्यों में असफलताएं फेस करना, संघर्ष, ये रहता है। जहां माँ लक्ष्मी वास करेंगे वहां सब सदगुण आते हैं, घर के सभी मेंबर्स एकदम मिलजुल कर रहते हैं, प्यार बना रहता है, घर स्वर्ग जैसा होता है। लेकिन दरिद्रता रहेगी तो फिर समझ लीजिए कि कर्ज, शत्रु, बीमारी, ये तो परेशानी आपको फेस करनी पड़ेंगे। तो ये छोटे से मैंने टिप्स आपको दिए हैं, इन्हें आप फॉलो करिए। और एक खास रेमेडी आज मैं आपको दे रहा हूं जिसमें जरूरत पड़ेगी आपको दो जायफल की। जायफल बहुत कारगर होता है माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। एक शब्द बता रहा हूं, ये आप इस पर लिख करके रख लीजिए। उसके बाद में देखिए कि आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों से संबंधित, मनी रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आप फेस नहीं करेंगे। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफी रेमेडीज कर ली, काफी उपाय कर लिए, कर्ज नहीं समाप्त हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ग्रह कलेश ज्यादा है या किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट ऐसा है जो प्रॉब्लम कर रहा है। जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती है इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। तो अपना बर्थ चार्ट यदि मुझे चेक कराना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं।
फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और राहु को बैलेंस करने के लिए दोस्तों हमारे द्वारा शावर मंत्रों के द्वारा 18 डेज की पूजा की जाती है। शावर मंत्र हमारे पास में नाथ पंथी और नाथ गुरु द्वारा पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त है, आधे अधूरे नहीं है। और लोगों की तरह जो हर कोई आजकल शावर मंत्र डाल रहा है आधे अधूरे, तो शावर मंत्रों के द्वारा जो शावर मंत्र जो होते हैं ये तुरंत एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं, पूर्ण शावर मंत्र। तो राहु को यदि आपने बैलेंस कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सब कुछ आने लगता है। राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की दशा आपको चल रही है तो आप ये पूजा बुकिंग करा सकते हैं। दूसरा, शनि राहु केतु तीनों प्लैनेट को एक साथ बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा शावर मंत्रों के द्वारा होती है। और तीसरा, जो लोग रेंट पर रहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है, शावर मंत्रों की विशेष पूजा है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं, फीडबैक है मेरे पास में, 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके और ये पूजाएं बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला प्रयोग जो बता रहा हूं आपको जायफल का, ये आपको 2 जायफल लेना है। ये प्रयोग आप किसी भी शुक्रवार के दिन में पूर्णिमा प्रदोष यानी कि त्रयोदशी या फिर रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में और कोई पावन पर्व में करेंगे तो और भी बेस्ट है। गुरु पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, इनमें इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है इसका या तो आप रोहिणी नक्षत्र में कर लें और रवि पुष्य नक्षत्र में कर लें, इसमें इस समय 1000 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो करना क्या है, 2 जायफल लेना है, इसको गंगा जल से, कच्चे दूध से या फिर गौमूत्र से इसको स्वच्छ कर लें, और कुमकुम, और साथ में आपको ले लेना है अष्टगंध और थोड़ी सी हल्दी गुलाब जल से और थोड़ा सा इसमें घी डाल के, 1-2 बूंद गुलाब जल या गुलाब का इत्र डाल के और घी वगैरह से इसका पेस्ट बना लें। अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, माता लक्ष्मी की तस्वीर विष्णु भगवान के साथ में स्थापित करें, घी का दिया जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती लगा लें, सिर पे कपड़ा, नीचे आसन। जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करेंगे, ठीक है, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। और नीचे आसन लगा लें और उसके बाद में आपने क्या करना है, घी का दिया आपने जला लिया तो 1 जायफल उठाएंगे, उसमें आपको एक शब्द लिखना है लम। लम जो है मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। लम जो है सारे हमारे जो 7 मेजर चक्रास हैं उसमें से लम, ठीक है, हमारे मूलाधार चक्र जो सभी चक्र जिसपे आधारित हैं, तो इसको यदि आप एक्टिव कर लेते हैं ये मंत्र लिखने से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है जिससे कि मनी का आकर्षण बढ़ जाता है। तो आपको लिखना है ला, ऊपर बिंदी लगा देंगे तो लम। फिर दूसरे वाला जायफल है उसमें आपको लिखना है श्रीम यानी कि स्त्री ऊपर बिंदी, तो ये हो जाएगा श्रीम, यानी कि लम जो होगा मूलाधार चक्र हो जाएगा, श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र हो जाएगा। दोनों में आपने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसके धूप बत्ती कर दें, पूजा वगैरह कर लें। अब जिसमें लम लिखा हुआ तो सीधे हाथ में रख करके और 108 या फिर 1008, मतलब मिनिमम 108 और मैक्सिमम 1008, जो भी आपको सही लगता है, लम 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 इस तरीके से आपको जाप कर लेना है। फिर दूसरा, उसको जब आपने जाप कर लिया, अभिमंत्रित कर दिया, इसको नीचे रख दीजिए। अब जिसमें स्त्रीम लिखा हुआ है उसको सीधे हाथ में रखिए, इसमें भी यही कंडीशन है, मिनिमम आपका 108 टाइम्स, मैक्सिमम आपका 1008 टाइम्स स्त्रीम मंत्र का जाप कर लीजिए, स्त्रीम स्त्रीम स्त्रीम। अब इन दोनों को एक लाल कपड़े में लपेट करके थोड़ा सा इसमें गुलाब का इत्र लगा दें, माता लक्ष्मी के चरणों में दोनों जायफल को अर्पित कर दें, एक दिन उसको वहां पूरा रखा रहने दें। दूसरे दिन उठा करके आप इसे चाहें तो अपने पर्स में डाल लें, ठीक है, आपका व्यापार बिजनेस गल्ला है वहां पर रख दें, या अपने घर में धन स्थान है वहां पर रख दें। और डेली बस क्या करना है आपको, लम और स्त्रीम, जिसमें लम लिखा हुआ है लम बीज मंत्र का जाप करेंगे, जिसमें स्त्रीम लिखा हुआ है स्त्रीम बीज मंत्र का जाप करेंगे, डेली 108 बार इसको डेली पूजा करते रहें, इस मंत्र का जाप करते रहें। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप 7 डेज 11 डेज में आपकी लाइफ में जो भी मनी के ब्लॉकेजेस थे, किसी तंत्र मंत्र की वजह से थे, किसी की हाय बद्दुआ की वजह से थे, या किसी भी ब्लैक मैजिक की वजह से, मतलब कोई भी नेगेटिव चीजें जो आपकी जिंदगी में पैसे को आने को रोक रहा था, तो वो सारे रास्ते आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको देखेंगे कि आपके अंदर एक मनी अट्रैक्ट करने की पावर जनरेट होना शुरू हो जाएगी, आपके धन प्राप्ति के हजारों रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। कर्म आप करेंगे, जितना कर्म कर रहे हैं उससे 1000 गुना आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रयोग बहुत ही सात्विक है और बहुत ही पावरफुल है, आप इस प्रयोग को करिए। तंत्र शास्त्र और वनस्पति शास्त्र की जानकारी है, और इस जानकारी को यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ में एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ये सोच करके, और यदि आप करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।
नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे तभी तो और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, और जब लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो शेयर जरूर करें, ठीक है? शेयर करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मन करें तो शेयर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो पूजा मैंने आपको बताई है राहु के लिए, शनि राहु केतु के लिए, खुद के घर की प्राप्ति के लिए, जिस भी पूजा की आपको नीड है, व्हाट्सएप में कंसल्ट करके बुकिंग करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है? आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।